फ्रेंड ये एक इन्वर्टर है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये था, चार्जिंग इंडिकेट करता था, ये भी बल्ब बर रहा है, ये भी बल्ब बर रहा है, ठीक है। इसमें हमको प्रॉब्लम मिला इस आईसी का, ठीक है फ्रेंड। ऐसे तो लग नहीं रहा था ये आईसी डैमेज है, मगर जब इसको खोले चेंज किए तो ये देखो भाई, ये खोलने टाइम फटा, मगर ये आईसी पहले से फटा हुआ था, ये देखो, ठीक है फ्रेंड। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो मुझे सपोर्ट करो भाई, हर एक वीडियो पाने के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ से वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ये आईसी के कारण चार्जिंग प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है फ्रेंड, है ना। आईसी डैमेज देखो पूरा, तुम यूट्यूब पर सर्च मार लो तो वो बताएगा किस चीज़ के बारे में, पता भाई अधिकांश बोले ये ट्रांजिस्टर चेक करो, ये रेजिस्टेंस चेक करो, ये सब भी डैमेज होता है फ्रेंड। मेरा अभी फिलहाल मिला मुझे आईसी डैमेज, ठीक है। अभी देखो मेरा चार्जिंग यहाँ ले रहा है सीरीज लैंप पे, ठीक है फ्रेंड। एम्पियर अभी सीरीज में है तब एक है, ये देखो मेरा बैटरी भी कुछ डैमेज है इस कारण से। ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम मुझे सपोर्ट करो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, तो डिसलाइक कर देना भाई, मोटिवेट मतलब आगे मन करेगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। लाइक या कुछ कमेंट आने पर ऐसे मन नहीं करता फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अभी आप लोग को एकदम चार्जर के बारे में बताएंगे कहाँ पे इसका क्या क्या फॉल्ट था, ठीक है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड अभी मैंने डायरेक्ट दिया हूँ, ठीक है, ये देखो मैंने डायरेक्ट दिया, ये मेरा अभी चार्जिंग कर रहा था भाई, अभी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। ये पंखा भी मेरा चल रहा है, कुछ करता है पंखा में फॉल्ट जैसा, ये पंखा में कुछ फॉल्ट है, ठीक है फ्रेंड। इस पंखा को अभी हम देखेंगे क्या फॉल्ट है, पंखा का यहाँ से लूप है या तो या इसका कंडेंसर डैमेज हो या पंखा डैमेज हो गया होगा, चेक करते भाई। देखो ये चलते चलते रुक जा रहा पंखा, इसका फॉल्ट पंखा से ही है मुझे लग रहा, ये देखो ये पंखा ही डैमेज है, यार पंखा ख़राब होगा तो मेरा ये मॉस्फेट ख़राब होने का डर है, क्योंकि ओवर हीट होता भाई चार्जिंग का टाइम, ठीक है, या लोड चलाने के पश्चात। आपको वोल्टेज अगर मेजर बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वोल्टेज मेजर करके बता देंगे। ये एसटीआर है भाई, ठीक है, चार्जिंग जब मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा होने लगे तो एसटीआर डैमेज होता है, एम्पियर वगैरह तो ये यहाँ से होता भाई, एम्पियर का मिलान। सेम टू इन्वर्टर हो या एकदम चार्जर हो, सेम एकदम प्रोसेस है दोनों का, ठीक है भाई। ये एसी आउटपुट कर रहा है, हमारा चार्जिंग का प्रोसेस जो है दोनों एक ही है,